हेलो फ्रेंड्स, मीनूज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मखाने का हलवा। हलवा बहुत खाया होगा आपने, पर मखाने का हलवा नहीं खाया होगा, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मैं कोई भी न्यू रेसिपी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए बनाते हैं मखाने का हलवा। मखाने का हलवा बनाने के लिए ये एक कटोरी मैंने मखाना ले लिया है, ये करीब 50 ग्राम के करीब है, और इसे हम बिना घी के ही रोस्ट कर लेंगे। तो इसे हमें उतनी देर भूनना है जब तक कि ये जो क्रंची ना हो जाए, तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। मखाना जो हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, और इसे घुटने में दर्द और डायबिटीज़ वाले पेशेंट जो होते हैं वो खाएँ तो फ़ायदा करता है। तो इसे हमें ऐसे ही भून लेना है। मखाना जो है अच्छे से रोस्ट हो गया है, और अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे हल्का सा ठंडा होने देते हैं। तब तक हम आगे का प्रोसेस करते हैं। एक बर्तन ले लेंगे, उसमें हम 2 ग्लास और आधा ग्लास पानी डालेंगे। और पानी को हल्का सा गर्म होने देंगे। पहले पानी जब गर्म हो जाए तब हम इसमें ये 100 ग्राम मैंने गुड़ लिया है, और इसे हम पानी में डाल देंगे और इसे जितनी देर ये गुड़ घुल जाए बस उतनी देर ही हमें इसे पकाना है। सर्दियों में जो गुड़ है वो बहुत फायदेमंद होता है। गुड़ को हम घुलने देते हैं इसमें। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप और गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 50 ग्राम मखाना में 100 ग्राम गुड़ लिया है। ये गुड़ जो है वो अच्छे से घुल गया है पानी में। अब यहाँ पे हम गैस को बंद कर देते हैं, और जो हमने मखाना रोस्ट किया है उसे हम पीस लेते हैं। पहले तो मखाने को हम इस जार में डाल के और इसका पाउडर बना लेंगे। हम पाउडर बना लेते हैं। ये मैंने मखाने का पाउडर बना लिया है। अब हम कढ़ाई चढ़ाते हैं गैस पे, और इसमें हम डाल देंगे घी 1 चम्मच, भर के डाल दिया है मैंने, और घी को पिघलने देते हैं। घी जब पिघल जाए तब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से काजू कटे हुए, और इसको हल्का सा भून लेंगे। काजू हल्का सा रोस्ट हो गया, इसी में हम डाल देंगे जो हमने मखाना को ड्राई रोस्ट करके रखा था और उसका पाउडर बना के, वो डाल देंगे। यहाँ पे आप काजू, पिस्ता, बादाम, ड्राई फ्रूट्स जो है वो आप अपने हिसाब से जो आपकी पसंद हो वो आप ले सकते हैं। बस 2 से 3 मिनट इसे भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने गुड़ को पिघला के रखा था पानी में, वो पानी हमें डालना है छान के। तो ये गुड़ वाला पानी हम इसमें डाल देते हैं। छानना इसलिए ज़रूरी है कि जितनी भी गुड़ में जो गंदगी होती है वो फिर हट जाएगी। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसे हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो कंटिन्यू चलाते हुए इसे हमें पका लेना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। इसमें हम थोड़ा सा और घी डाल देते हैं।
और फिर इसे हम चलाते हुए पकाते रहेंगे। अभी 10 मिनट इसे पकाते रहना है, जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाए तब तक इसे हमें पकाना है। ये हलवा जो है एकदम गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ये हमारा मखाने का हलवा बनके तैयार हो गया है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत हेल्दी है और ये जाड़े में तो आप ज़रूर बना के खाइए ठंड में, इससे शरीर को एनर्जी मिलती है। गैस को बंद करें। ये हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है।